हम देखते हैं कि सभी लोग लूफिंग और चार्लोट को छोड़ के भाग रहे होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, जो कि देखते ही चार्लोट कह रही होती है, बॉस क्या हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे? वहाँ से शायद मुझे पता है यहाँ पे जरूर कोई खजाना होगा और हम उन्हें डरा रहे हैं ताकि ये खजाना हम अपने पास रख सके, है ना? सब बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए है। जो कि सुनते ही चार्लोट काफी ज्यादा रन होती है और कह रही होती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है इन डेंजरस क्रीचर के साथ ट्रेनिंग करना हो? और ये कहते हुए अपने मेंटल पावर ब्रश का यूज करते हुए उन बटरफ्लाई को मार रही होती है और कहती है, अगर मैं अपना बेस्ट भी करूँ तो भी मैं इनके सिर्फ एक ही वेव को मार पाऊंगी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो लूफिंग उससे कहता है, तुम बस अपनी मेंटल पावर ब्रस्ट अटैक को यूज करो और हर एक बटरफ्लाई को मारने के लिए अटैक पे फोकस करो। तो चार्लोट कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी स्मॉलेस्ट कॉन्टेस्ट ब्रस्ट वो सिर्फ एक एग की सेज की है, यहाँ पे काफी सारे बटरफ्लाई के ग्रुप है जो की एक साथ ही है और उन पर एक एक करके हमला करना ये तो असंभव है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गॉड हूँ? तो लूफिंग अपने पावर को यूज करता है और अपने एक ही स्ट्राइक में उन सारे के सारे बटरफ्लाई को मार डालता है और उसकी ये पावर देखते ही चार्लोट काफी साधारण होती है और कह रही होती है, यहाँ तक कि मैं अपनी आंखों से भी नहीं देख सकती, मुझे तो इस पे यकीन नहीं हो रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक बेगिनर लेवल का स्किल माइंड स्पीड डिस्ट्रप्शन इस तरीके से यूज किया जा सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। लूफिंग उससे कह रहा होता है, सबसे पहले तुम अपनी पावर ब्रस्ट को कंप्रेसिंग करना सीखो और उसमें ध्यान दो, फिर अपने टैलेंट के साथ इसे एक दाने के साइज में कंप्रेस करो और कंप्रेशन के हर एक स्टेज के साथ साथ तुम्हारी कंट्रोल और भी ज्यादा बेहतर होती जाएगी और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और उसके बाद तुम अपनी पावर ब्रस्ट शूट आउट को कंट्रोल करना सीखोगे। उसी के साथ साथ स्पीड और एंगल को इग्नोर मत करना, ये काफी ज्यादा जरूरी है। जो कि सुनते ही चार्लोट भी उसका इस्तेमाल करने लगती है और उसे कह रही होती है, ये कहना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, ये कहते हुए उसका यूज करती है। तो लूफिंग उससे कह रहा होता है, तुम्हारे फर्स्ट राउंड के ट्रेनिंग के लिए तुम्हें 2000 बटरफ्लाई को मारना है और हर बार जब तुम्हें गलती से एक बटरफ्लाई को ज्यादा मार दोगे तो तुम्हें और दो बटरफ्लाई मारना होगा, तो इसलिए तुम्हें अभी 2001 बटरफ्लाई को मारने की जरूरत है, तो काम पे लग जाओ। ये सुनते ही चार्लोट काफी हैरान होती है और उसे कह रही होती है, क्या 2000 बटरफ्लाई को मारना, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तभी लूफिंग जाते हुए पेड़ पे बैठ जाता है और कहता है, मैं थक गया हूँ तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा, और ये कहते हुए वहाँ पे सो जाता है। वो उसे कह रहा होता है, काम चोरी मत करना और ट्रेनिंग करते रहना। जो कि देखते चार्लोट कह रही होती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये मजाक करना बंद करो। और ये कहते हैं वो उन बटरफ्लाई को मारने लगती है जहाँ पे काफी सारे बटरफ्लाई एक साथ उस पर हमला करते हैं। जो कि देखते ही वो कह रही होती है, क्या इन सबको मारना, क्या मैं इन सबको सच में मार सकती हूँ? और ये कहते हैं वो वहाँ से भागने लगती है। वो कह रही होती है, मुझे यहाँ से घर जाना है। और ये कहते हैं वो लूफिंग के पास आ रही होती है, तभी लूफिंग उसे एक पोशन देता है और उसे कह रहा होता है, इसे पी लो। जो कि देखते चार्लोट उसे देखती है, वो थोड़ी हैरान होती है और उसे पी लेती है और वो जो बटरफ्लाई उसके पीछे आ रहे होते हैं वो उसके पीछे आने रुक जाते हैं। जो कि देखते वो काफी हैरान होती है और कह रही होती है, आखिर ये किस तरह की स्टिल्थ पोशन है? तो लूफिंग उसे कह रहा होता है, नहीं ये सिर्फ एक फ्रैंक हीट रेजिस्टेंट पोशन है जिसका यूज तुम्हारी बॉडी से निकलने वाले गर्मी को रोकने के लिए किया जा रहा है ताकि ट्रेनिंग के दौरान ये सारे के सारे बटरफ्लाई तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव ना हो। तो चार्लोट उसे कहती है, बॉस चूंकि ये पोशन तुम्हारे पास पहले से ही है तो क्या तुम जानते थे कि हम लोग इस ग्रे आइसलैंड में आने वाले हैं? तो लूफिंग उसे कह रहा होता है, तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो लेकिन अपनी ट्रेनिंग को बंद मत करो, ट्रेनिंग करते रहो। जो कि सुनते ही चार्लोट अपने ट्रेनिंग में लग जाती है और उसे कह रही होती है, शैडो गेट बस शैडो वर्ल्ड के पीछे के रैंक को दर्शाता है और गेट के पीछे कैसी जगह है ये कोई भी पता नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि कोई अवेकनर भी इसका पता नहीं लगा सकता, तो आपने इसका पता कैसे लगाया? ये सुनते ही लूफिंग उसे कहता है, लेकिन ऑफकोर्स मैं 99% शैडो वर्ल्ड सिस्टम के इक्वल हूँ, अगर तुम भी 3000 सालों तक शैडो वर्ल्ड में फंसे रहोगे तो तुम उन सुरागो और कैलकुलेशन के यूज करते हुए पता लगा सकते हो कि गेट के पीछे क्या है। जो कि सुनते ही चार्लोट ट्रेनिंग करते हुए कह रही होती है, मेरी मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं है और अगर मैं 10000 सालों तक भी इसके अंदर फंसी रही तो ये यूजलेस होगा और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 3000 सालों तक किसी शैडो वर्ल्ड में फंसे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी लूफिंग उससे कह रहा होता है, छह और तितलियों को मारना है तुम्हें। जो कि सुनते ही वो काफी परेशान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग एक एक करके बर्फ की मूर्ति बनते जा रहे होते हैं। जो कि देखते ही एक बंदा कह रहा होता है, आखिर इस डी क्लास के शैडो वर्ल्ड की डेथ रेट इतनी ज्यादा हाई क्यों है? तो वो टगला कहता है, यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर के पास आइस एट्रीब्यूट है जिनसे डील करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अभी उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि एंड की तरह होते हैं। जो कि देखते ही वो टकला कह रहा होता है, क्या अब और नहीं, सभी लोग साधन हो जाओ। दूसरी तरफ वो लेडी कह रही होती है, ये चीज ये तो काफी ज्यादा बड़ी है। तो वो टकला उन्हें देखते हुए अपने उनमें कह रहा होता है, आखिर हमें ना कैसे मारे, इनका क्या अंत है या नहीं? और वो सारे के सारे मॉन्स्टर उन लोगों को मार रहे होते हैं। उनमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस टकले के सामने आता है। जो कि देखते वो टकला अपने उनमें कह रहा होता है, ये तो एक लाइट रैंक का वर्ल्ड रिपर है, अब लगता है हम लोग मरने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्लोट ने अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया होता है और वो कह रही होती है, हाँ मैंने कर लिया। और ये कहते हुए लूफिंग के पास आती है और कह रही होती है, बॉस देखो मैंने कर लिया है, मैंने सबको मार डाला। तभी लूफिंग वहाँ से गायब होता है। जो कि देखते हैं वो हैरान होती है और कह रही होती है, तो वो यहाँ से चले गया, मुझे पता था कि वो यहाँ पे किसी दूसरे रीजन से आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस टकले को और उस लड़की को दोनों तरफ से वो सारे के सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं, जहाँ पे वो टकला फाइट बैक करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मार डालता है। उनमें से एक मॉन्स्टर उस लड़की पे अटैक करता है, तभी अचानक से वहाँ पे लूफिंग आ जाता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। उसी के साथ साथ वो एक स्ट्राइक में बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। जो कि देखते वो लड़की
अपने मन में कह रही होती है, क्या ये वही नहीं है? ये तो वही है, लेवल 9 का न्यूबी। वहाँ पे आकर ही एक मॉन्स्टर बचा हुआ होता है, जो कि देखते ही लुफिंग अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए उसे मार डालता है। वो लड़की लुफिंग को थैंक यू कहती है, जो कि सुनते ही लुफिंग उससे कह रहा होता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस एक कॉन्सिडेंस था कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आ गया था। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो कि मुझे करने हैं, तो इसलिए मुझे परेशान मत करो। और ये कहते हैं वो उस मॉन्स्टर का सर को उस खाई में फेंक देता है, जो कि देखते वो लड़की कह रही होती है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तो लुफिंग कहता है, मैं चारा डाल रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि नीचे से बड़े बड़े सेंटीपीड्स आ रहे होते हैं, जो कि देखते ही वो लड़की कह रही होती, क्या तुम सच में फाइनल बॉस को लालच दे रहे हो? तो लुफिंग कह रहा होता है, नहीं, ठीक से देखो, ये दो है। और वो मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वहाँ की धरती फटने लगती है। और ये सेंटीपीड वर्ल्ड बॉस फास्ट बॉर्न टाइटन सेंटीपीड होते हैं, जो कि देखते ही लुफिंग कह रहा होता है, पीछे हट जाओ नहीं तो तुम मारी जाओगी। और वो सेंटीपीड बाहर आ जाते हैं। वो देखते ही वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है, अभी हम क्या करें? तो लुफिंग उसे कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से चले जाओ। तो वो लड़की कहती है, रुकी, अब तुम क्या करने वाले हो? तभी वो सेंटीपीड लुफिंग पर अटैक करने वाला होता है, जो कि देखते हैं लुफिंग उसके अटैक को काउंटर करते हुए बहुत ही तेजी से उसके सर के ऊपर चला जाता है। वो लड़की कहती है, क्या ये न्यूबी, क्या ये हारने वाला है? दूसरी तरफ लुफिंग अपने स्वॉर्ड से उसके क्रिस्टल के ऊपर दे मारता है, लेकिन वो क्रिस्टल काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और उसी के साथ साथ वो जो सेंटीपीड होता है वो बौखला जाता है और इधर उधर भागने लगता है। वो चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है, जो कि देखते ही वो लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो लुफिंग के पावर को देखते हुए कह रही होती है, यहाँ तक कि ये दोनों से स्क्रैच भी नहीं कर पाए, क्या ये न्यूबी, क्या ये गॉड टियर अवेकनर है? और वहाँ की धरती फटने लगती है। वो लड़की कह रही होती है, ये रुकी, ये तो क्रेजी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुफिंग उस मॉन्स्टर को बीच से फाड़ देता है, उसी के साथ साथ दूसरे मॉन्स्टर का भी गला अलग कर देता है और वो दोनों को हरा देता है। इसी के साथ साथ उसे एक ए रैंक का बी आइटम मिलता है, जो कि एक फ्रॉस्ट ब्लेड और उसी के साथ साथ और एक फ्रॉस्ट बाइट होता है। ये देखते ही वो कह रहा होता है, ये दोनों बी ग्रेड के वेपन ताकत के मामले में ए ग्रेड से कम नहीं है, आखिरकार मेरे पास कुछ अच्छे इक्विपमेंट आ ही गए। और इसी के साथ साथ ग्रे आइसलैंड का बॉस मारा गया और वहाँ पे एक रोशनी चमकती है, जो कि देखते ही वो लड़की कह रही होती है, मुझे लगा था कि ये नौसिखिया ये मरने वाला है, लेकिन उस नौसिखिया ने अकेले ही उस बॉस को मार दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्लोट वो इस वर्ल्ड से बाहर निकल रही होती है, जो कि देखते वो कह रही होती है, क्या ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? अभी भी 15 बटरफ्लाई और बचे हैं। और कुछ से बाद वो दोनों गेट से बाहर आ जाते हैं, जो कि देखते कुछ लोग कह रहे होते हैं, देखो कुछ लोग बाहर आए हैं। तो दूसरा बंदा कहता है, देखो वो सिर्फ 3 लोग है, क्या इस गेट में से सिर्फ 3 लोग ही बच पाए? दूसरी तरफ चार्लोट कह रही होती है, ये काफी ज्यादा एनोइंग था, मेरी ट्रेनिंग बस खत्म होने वाली थी। तो लुफिंग उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि अगली बार जब तुम शैडो वर्ल्ड में एंटर करोगे तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। ये सुनने के बाद चार्लोट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और लुफिंग से कहती है, तो फिर बॉस क्या हम दूसरे शैडो वर्ल्ड में जा रहे हैं? तो लुफिंग उसे कह रहा होता है, नहीं अभी तो नहीं, मैं 2 दिन के लिए आराम करने जा रहा हूँ, साथ ही मुझे कुछ और चीजें भी करना है, तो इसलिए आज तो नहीं। और इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगे। और दोस्तों बहुत ही जल्दी एक नया सीरीज आने वाला है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सब्र करो, बहुत ही जल्दी वो आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।